दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक एग्ज़ास्ट फ़ैन के बारे में। परवाज़ कंपनी का बना हुआ ये एग्ज़ास्ट फ़ैन है, तो ये हमारे पास चल नहीं रहा। इसकी हमने ऑलरेडी सप्लाई वगैरह यहाँ से चेक कर ली है, वोल्टेज हमारे पूरे इसको जा रहे हैं लेकिन ये चल नहीं रहा। तो इसको खोलते हैं, खोलने के बाद इसको चेक करते हैं कि इसको क्या मसला है, क्या क्या इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इसका कवर हमने उतार लिया है, तो अभी फ़ैन आपके सामने है तो मैं थोड़ा सा ऊपर होता हूँ, इसको मज़ीद चेक करते हैं, देखते हैं इसके क्या हालात हैं। तो सामने हमें कैपेसिटर नज़र आ रहा है, सबसे पहले इसका कैपेसिटर चेक कर लेते हैं। कैपेसिटर हमें ठीक लग रहा है इसका, कहीं से कोई फूला वूला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद अगली बारी आ जाती है रोप स्विच की, तो हम इसके रोप स्विच को चेक करते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये रोप स्विच काम नहीं कर रहा, ये फंसा हुआ है यहाँ पर। तो इस रोप स्विच को हम खोलते हैं, खोलने के बाद इसको टेस्ट करते हैं कि रोप स्विच ख़राब तो नहीं हो गया या कि फंसा हुआ तो नहीं है। तो इसको हम मज़ीद खोल के मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसका क्या इशू है। हम टेस्टर की मदद से इसके स्क्रू खोल रहे हैं, अभी हम आपको चेक करवाते हैं इसको खोल के। तो ये हमारा रूप स्विच बाहर निकल आया है, बाहर निकल के अंदर से ये कंडीशन होती है, इस पत्री के साथ मिला होता है, ताकि जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो ये उसको ऊपर उठा देता है। इसके पिछले जो ये एग्जास्ट लगे हुए हैं ये फिन्स इनको खोल देता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मूव कर रहा है लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। तो हमारा ये रोप स्विच ख़राब हो चुका है, इसको हमें या तो डायरेक्ट करना पड़ेगा या फिर हमें चेंज करके नया लगाना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको डायरेक्ट करते हैं और आपको फ़ैन चला के चेक करवाते हैं, फिर हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। तो अभी आपको नज़र आ रहा है ये रोप स्विच, इसको हमने डायरेक्ट किया है, थोड़ा सा हाथ से इसको घुमाया है तो ये फ़ैन चलना शुरू हो गया है। अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे रोप स्विच को। तो दिखाने का मकसद ये था कि आप आसानी से जो है ना घर बैठे अपने एग्जास्ट फ़ैन वगैरह रिपेयर कर सकते हैं। छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, या तो कैपेसिटर्स का इशू होता है, या ये रोप बाज का टूट भी जाती है ये वाली, या ये रोप स्विच जो है ये ख़राब हो जाता है। तो ये रोप स्विच को फ़िलहाल हमने हाथ से घुमा के डायरेक्ट कर दिया है, इसको फ़ैन को चला दिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, देखने के लिए बहुत शुक्रिया।